हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कोरिलेशन को डिस्कस करेंगे कि सहसंबंध क्या होता है, सहसंबंध गुणांक क्या होता है और हम जो कोरिलेशन है उसको कैसे निकालते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या फॉर्मूले हैं, उनको हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही हमारे नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ पर आप प्रॉब्लम अपनी पोस्ट कर सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोरिलेशन मतलब होता है सहसंबंध। अब कोरिलेशन सहसंबंध का मतलब, सह का मतलब साथ, संबंध का मतलब संबंध यानी रिलेशन। तो सबसे पहले जो कोरिलेशन का आइडिया दिया था वो कार्ल पियर्सन ने दिया था। हमने कार्ल पियर्सन का काफ़ी जगह पीछे फर्स्ट यूनिट के अंदर भी नाम पढ़ा था। हमने स्क्यूनेस के अंदर विषमता जो हमने पढ़ी थी, स्क्यूनेस, उसके अंदर भी कार्ल पियर्सन का नाम पढ़ा था। कर्टोसिस के अंदर भी, और हमारे पियर्सन के जब मूवमेंट पढ़ रहे थे मूवमेंट्स के बाद में हमने पढ़े थे पियर्सन, कार्ल पियर्सन के कोफिशेंट्स पढ़े थे। तो काफ़ी सी जगहों पर कार्ल पियर्सन का नाम आता है। तो कार्ल पियर्सन ने ही जो हमारा कोरिलेशन है उसका आइडिया डेवलप किया था कि बेसिकली कोरिलेशन कोई दो जो वेरिएबल होते हैं, मतलब दो चर हैं, उनके बीच में संबंध दिखाता है। तो यहाँ पर कोरिलेशन को मैंने डिफाइन करा है कि इन ए बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पर हमें दो वेरिएट, मतलब दो वेरिएबल, दो चरों का कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसके अंदर एक एक्स होगा एक वाई होगा, दोनों के बीच में जो संबंध होता है, जो संबंध हमें निकालना है दोनों के बीच में क्या संबंध है, वही हमारा कोरिलेशन होता है। दोनों के बीच के संबंध को अगर किसी एक चर के अंदर परिवर्तन से दूसरे चर में या वेरिएबल के अंदर चेंज आ रहा है तो वो क्या है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड कहे जाएंगे। तो इसी को हम निकालना चाहते हैं कि वो कोरिलेशन क्या है वाकई में, कितना उसका जो क्वांटिटी है। तो इन सबको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो कोरिलेशन है वो कितने टाइप का आता है। जैसे हमने क्या करा कि आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, किसी भी वस्तु का प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो उसका क्या होगा, सेल बढ़ेगी। तो ये क्या होता है कि दो हमने चर मान लिए, एक तो प्राइस और दूसरा मान लिया सेल। तो जो प्राइस में अगर कमी कर रहे हैं, हमारे जो सेल है उसके अंदर अगर इंक्रीज हो रहा है, यानी एक के अंदर कमी दूसरे के अंदर वृद्धि दिखा रही होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव हमारा कोरिलेशन बोलते हैं। और ऐसे ही अगर एक के अंदर जैसे प्राइस में भी इंक्रीज हो रहा हो और हमारी जो सेल हो रही है वो भी बढ़ रही है तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट या पॉजिटिव कोरिलेशन। तो हमारे अंदर पास दो कोरिलेशन कौन से हो गए कि पहला तो हो गया कि अगर एक चीज के अंदर हम चेंज करें और दूसरी चीज के अंदर भी चेंज हो, और वो भी कौन सी, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी एक के अगर रेट बढ़ रहे हैं तो दूसरे की जो सेल है वो भी बढ़े, एक के अगर रेट कम हो रहे हैं तो दूसरे की अगर रेट वो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। यानी कोरिलेशन के इस तरीके के हो गए, दो तरीके के सहसंबंध होते हैं, एक तो धनात्मक सहसंबंध, एक ऋणात्मक सहसंबंध। धनात्मक कौन सा हो गया, जिसमें आपका जो है आपने प्राइस बढ़ाया तो सेल भी बढ़ गई, वो धनात्मक हो गया, यानी दोनों एक दिशा में जा रहे हैं। और अगर आपने प्राइस बढ़ाया और क्या हो गया, जो हमारी सेल वो गिरने लगी, तो क्या हो गया, ये ऋणात्मक हमारा सहसंबंध हो गया। तो ये दोनों सहसंबंध होते हैं। अब बात करते हैं परफेक्ट सहसंबंध की, यानी परफेक्ट कोरिलेशन कब होता है, यानी जितना परिवर्तन एक हम वेरिएबल के अंदर कर रहे हैं, यानी वेरिएबल यानी चर के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर जितना चेंज होता है उतना ही वेरिएबल के दूसरे वेरिएबल में अगर चेंज होता है तो उसको हम परफेक्ट कोरिलेशन कहते हैं। यानी कि जितना सेल में वृद्धि हुई है उतना ही हमारे जो प्राइस में भी वृद्धि हुई है, तो वो परफेक्ट कोरिलेशन हो गया। तो ये क्या होता है, हमारा परफेक्ट कोरिलेशन होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक के अंदर जितना चेंज होता है उतना ही अगर दूसरे के अंदर चेंज हो रहा है तो वो क्या होता है, परफेक्ट कोरिलेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि कोरिलेशन को निकालने के मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है हमारा स्कैटर डायग्राम, यानी जो हम स्कैटर डायग्राम का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर विक्षेप चित्र बोलते हैं इसको, हिंदी के अंदर विक्षेप चित्र बोलते हैं। तो ये क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कोरिलेशन को दिखाने की।
हम क्या करते हैं कि एक ग्राफ लेते हैं और उसके अंदर जितने भी हमारे पास पॉइंट होते हैं दो एक्स और वाई के बीच में, हम उन पॉइंट को ग्राफ के अंदर दिखा देते हैं। अगर अगर हमारा जो ग्राफ है उसके अंदर जो पॉइंट जो हमने दिखाए हैं वो बहुत ज्यादा संघन है, मतलब सघन मतलब डेंस है, उनकी डेंसिटी है वो बीच वाली लाइन के आसपास बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है उसको हम गुड कोरिलेशन बोल देते हैं कि हाँ भाई दोनों के बीच में अच्छा कोरिलेशन है वेरिएबल्स के अंदर, यानी दोनों चरों के बीच में अच्छा कोरिलेशन है। और अगर जो हमने जो ग्राफ बनाए हैं उसके एक्स और वाई के बीच में और उनके जो बीच में जो हमारा ग्राफ आया है उसके पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स क्या हो दूर दूर हो, तो क्या होता है वो जब संघन नहीं हो यानी दूर दूर तक फैले हों तो उसको क्या बोलते हैं पुअर कोरिलेशन बोलते हैं। तो ये स्कैटर डायग्राम मेथड होता है जिससे हम कोरिलेशन निकालते हैं। अब इस मेथड की कमी ये कि अगर हमें थोड़ा सा डेटा दिया हो तब तो हम इस मेथड को काम में ले लें कि हमें 20-25 अगर पॉइंट ही दर्शाने हो तो हम काम में ले सकते हैं। बट क्या होता है ये मेथड जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बहुत लार्ज होती है, यानी जब हम हमारे पास डेटा है वो बहुत काफ़ी बड़ा हो जाता है, तब ये वाला मेथड हम काम में नहीं ले पाते हैं, तो इसकी ये कमी होती है। अब दूसरा मेथड पढ़ते हैं। अब दूसरा मेथड है हमारा कार्ल पियर्सन का कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन। अब कार्ल पियर्सन ने क्या करा कि जो हमारा कोरिलेशन है उसको निकालने के लिए कोफिशेंट डिफाइन करा, जिसको हम कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशेंट या नॉर्मली कोरिलेशन कोफिशेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो लीनियर कोरिलेशन होता है, जो हमारे कोर्स के अंदर क्या है लीनियर कोरिलेशन है, तो लीनियर कोरिलेशन यानी जो लीनियर कोरिलेशन होता है एक्स का वाई के अंदर। अब लीनियर और जो आपने लीनियर और आप पूछोगे कि जो लीनियर है और नॉन लीनियर उनमें क्या डिफरेंस है, तो लीनियर का क्या मतलब होता है कि एक्स की भी एक घात है और वाई की भी, यानी एक्स भी एक वेरिएबल है और वाई भी। अब जैसे एक्स स्क्वायर हो जाए और वाई स्क्वायर हो जाए तो वो क्या होते हैं वो नॉन लीनियर हो जाते हैं। तो आप लीनियर के अंदर क्या होता है लीनियर हमारा एक्स और वाई के बीच में सहज संबंध के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला डिफाइन करा, जिसको इन्होंने आर से बताया कि आर है वो क्या है कोरिलेशन यानी सहज संबंध गुणांक है वो क्या है आर एक्स वाई बराबर क्या होगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बटे में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। यहां पर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका एक्स का, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका वाई का, और कोवेरियंस किसके बीच में एक्स और वाई के बीच में। अब सिग्मा एक्स को क्या लिख सकते हैं हम रूट लिख सकते हैं रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स, यानी वेरियंस ऑफ एक्स का क्या होता है रूट होता है, ये क्या होता है वेरियंस ऑफ वाई का रूट होता है, तो ये क्या हो गया हमारा आर एक्स वाई का फॉर्मूला। अब कोवेरियंस को निकालने के लिए अगर हमें क्या दे रखा हो, अगर हमें एक्स आई मतलब एक्स की वैल्यूज दे रखी है और वाई की वैल्यूज दे रखी है, तो हम जो कोवेरियंस है उसको ऐसे निकाल सकते हैं कैसे कि वन अपॉन एन समीशन एक्स आई, यानी हर एक x की वैल्यू में से x बार घटा दो, y की वैल्यू में से y बार घटा दो, और दोनों का जो मल्टीप्लाई है उनको जोड़ के और एक बटा n से भाग दे दो, तो ये क्या आ जाए कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, दोनों के बीच में जो कोवेरियंस हो वो कितना आ जाएगा। और जब हम समीशन ऑफ x समीशन ऑफ y यानी वेरियंस ऑफ x का अंडर रूट निकालते हैं तो कैसे निकलेगा वन अपॉन एन समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। आपको ये याद होना चाहिए कहाँ पर है ये सेकेंड मोमेंट की वैल्यू होती है, वेरियंस क्या होता है सेकंड मोमेंट होता है हमारा सेकंड सेंट्रल मोमेंट, ऐसे ही वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बस जस्ट फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज बताई गई है कि इसको कैसे लिख सकते हो इसको कैसे लिख सकते हो। तो कोरिलेशन का तीसरा फॉर्मूला भी इस तरीके से डिफाइन किया होता है कि इसके अंदर एक्सपेक्टेशन लेते हैं होल यानी पूरे का कैपिटल ब्रैकेट शुरू करके एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो ये फॉर्मूला बेसिकली आपके काम का नहीं है, तो आप फॉर्मूला जो है फर्स्ट वाला और ये वाला सेकंड वाला और ये थर्ड, ये तीन फार्मूले आप याद रखिएगा, इन्हीं पे ज़्यादातर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये फार्मूले इम्पॉर्टेंट है, इन पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर जो हमारा आर ग्रेटर देन जीरो है यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है तो कैसा ग्राफ होगा, अगर छोटी है तो इस तरीके से, और अगर जीरो के बराबर है तो ये पैरेलल। बट बेसिकली जो हमारा जो पूछा जाता है वो ये है, जो हमारा आर इज इक्वल टू प्लस वन यानी जब आर की वैल्यू प्लस वन है यानी परफेक्ट कोरिलेशन है पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन है तो कैसा ग्राफ होगा, इस तरीके से लाइन बनेगी यानी सारे जो पॉइंट्स होंगे वो एक ही लाइन पर आएंगे।
तो ये परफेक्ट कोरिलेशन हो गया, और ये क्या होता है हमारा नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन, यानी अगर r की वैल्यू माइनस वन है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमें एक लाइन की इक्वेशन दे दी होगी कि इनके x और y के बीच में संबंध बताओ, तो ये क्या होगा x प्लस वाई बराबर अगर कोई भी कांस्टेंट कोई भी संख्या दे दी, दो दे दिया पांच दे दिया, तो अगर ऐसे एक इक्वेशन दे के बोल दे कि आपको इसमें कैसा सह संबंध है, तो क्या होगा ये क्या होगा नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे, और क्या होगा परफेक्ट कोरिलेशन होगा कौन से वाला, ऋणात्मक से संबंध होगा। और यहां पर क्या होगा अगर x इक्वल टू वाई टू एक्स इक्वल टू टू वाई तो ऐसे दे रखा हो तो क्या होगा ये धनात्मक से संबंध होगा। यहां पर मैंने कोवेरियंस ऑफ का फॉर्मूला लिखा है और वेरियंस x का और वेरियंस ऑफ y दोनों का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कोरिलेशन की लिमिट की, तो जो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है अधिकतम एक होती है, और जो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है माइनस एक होती है। तो यानी जो हमारा कोरिलेशन कोफिशियंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है माइनस एक से एक के बीच, यानी एक से एक के बीच में इसकी वैल्यू रहती है। तो लिमिट याद रखिएगा कि माइनस एक से एक के बीच में उसकी वैल्यू होती है, और जो माइनस एक से एक के बीच में जो इसकी वैल्यू रहती है कोरिलेशन कोफिशियंट की, इसको हमने डिवाइड करा है चार भागों में। कैसे कैसे कि अगर जो हमारा प्लस में पॉजिटिव में है प्लस वन है तब तो धनात्मक हमारा कोरिलेशन है और परफेक्ट कोरिलेशन बोलते हैं इसको, और अगर माइनस में भी है माइनस वन है तो भी इसको क्या बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन, और वो भी नेगेटिव कोरिलेशन। अगर हमारी वैल्यू जो हमारा 0.75 है पॉजिटिव वाली 0.75 से और पॉजिटिव वाले एक की तरफ है तो क्या हो जाएगा इसको हाई कोरिलेशन कहते हैं। मतलब अगर 0.75 से प्लस एक के बीच में है तो वो हमारा हाई कोरिलेशन होगा, या फिर माइनस 0.75 से और माइनस वन के बीच में तो भी वो हाई कोरिलेशन होगा। अगर 0.25 यानी जो 0.25 है उससे लेकर 0.75 तक है तो वो क्या होगा मीडियम होगा, और 0 से 25 के बीच में तो वो क्या होगा लो कोरिलेशन होगा, और अगर वैल्यू 0 ही आ जाती है तो क्या होगा कोरिलेशन ही नहीं होगा। हमने यहाँ ऊपर डिफाइन भी करा है, ये देखिए अगर r की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या लैक ऑफ लीनियर एसोसिएशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर कोरिलेशन ही नहीं है अगर r की वैल्यू 0 हो गई है तो। तो ये हो गया हमारा लिमिट हो गई कोरिलेशन कोफिशियंट की। अब देखिए कि कोरिलेशन कोफिशियंट होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, यानी अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन को किसी संख्या से गुणा कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर किसी से भाग दे दो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ दो तो फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ओरिजिन का मतलब यहाँ जोड़ने से और घटाने से, और स्केल का मतलब है गुणा करने से और भाग देने से। मतलब अगर कोई ऑब्जर्वेशन में गुणा या भाग कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरिलेशन कोफिशियंट उतना ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि एक्स और वाई के बीच में हमें कोरिलेशन दे रखा था आर एक्स वाई, और हमें पूछ लिया कि ए एक्स प्लस बी और सी वाई प्लस डी के अंदर कोरिलेशन बताओ। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ ए सी से ए सी कट जाएगा वापस से, तो क्या हो जाएगा कोरिलेशन तो वही आ गया ना आर एक्स वाई, यानी पूरी इसके अंदर ए से गुणा करा और बी जोड़ दिया गया कोरिलेशन एक्स के अंदर, और यहाँ पर सी से गुणा करा डी जोड़ दिया गया। बट इन सब चीजों का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ए और सी बार ए और सी नीचे दोनों को काट दिया, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा नॉर्मल वही कोरिलेशन कोफिशियंट आएगा जो पहले था, यानी तो हमारा जो गुणा और भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस फॉर्मूले के अंदर ये ए और सी है ऊपर और नीचे दोनों तरफ कहाँ से आया है इसको जानने के लिए आपको जो पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई और वेरियंस ऑफ एक्स जो अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स और अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ वाई, वहां से इन दोनों इक्वेशन को रख के हमें कोवेरियंस और हमें जो वेरियंस अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स और अंडर रूट वेरियंस ऑफ वाई निकालना पड़ेगा, तो वहां से ये दोनों टर्म बाहर आएंगी, और जब दोनों बाहर आएंगी तो आपस में कट जाएगी और वैसे का वैसा हमें कोरिलेशन कोफिशियंट मिल जाएगा। तो हमें याद रखना है कि अगर किसी भी संख्या से माइनस कर दो जोड़ दो कुछ गुणा कर दो भाग दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोरिलेशन कोफिशियंट एज इट इज ही रहेगा। अब बात करते हैं कि टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर अनकोरिलेटेड, अगर दो वेरिएबल हमें दिए गए हैं और वो क्या है अनकोरिलेटेड है। अनकोरिलेटेड का मतलब कि उनके बीच में अगर सहसंबंध नहीं है कोई भी सहसंबंध नहीं है तो उनके बीच में क्या होगा r की वैल्यू जीरो होगी, हमने अभी पीछे पढ़ा था
और कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई भी क्या होता है, जीरो होता है। अब ये आर की वैल्यू जीरो क्यों होती है, ये इस वजह से होती है कि अगर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या होता है, जीरो होता है, तो उनके बीच की आर है ना, आर की वैल्यू वो भी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि जो कोवेरियंस है वो फॉर्मूले में ऊपर की तरफ आता है, अगर ऊपर जो कोवेरियंस का जो वैल्यू है वो भी जीरो हो गया तो क्या होगा, आर भी जीरो हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि अगर दो इंडिपेंडेंट है यानी दो हमें चर दिए गए हैं उनके बीच में अगर कोई सहसंबंध नहीं है तो उनका क्या होगा, उनकी वैल्यू आर की वैल्यू जीरो होगी और कोवेरियंस की वैल्यू भी जीरो होगी। परंतु याद रखिएगा कि दो अनकोरिलेटेड वेरिएबल का जरूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट हो। अब हमें दिया होगा कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो अनकोरिलेटेड होंगे, ये तो बात याद रखना कि दो जो स्वतंतर चर हैं वो क्या होगा, असहसंबंधित होंगे यानी जो है अनकोरिलेटेड होंगे। परंतु अगर दो असहसंबंधित मतलब दो जो कोरिलेटेड नहीं है यानी दोनों के बीच में कोरिलेशन नहीं निकाल सकते तो ये जरूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट होंगे यानी स्वतंतर होंगे, जरूरी नहीं है। यहाँ पर ये देखिए वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये वाई बराबर एक्स स्क्वायर मैंने आपसे बात करी थी कि नॉन लीनियर, हमने लीनियर पढ़ रहे हैं, हमें ये सब चीजें ये लीनियर के लिए काम करती है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बराबर जीरो, आर एक्स वाई बराबर जीरो, ये सब क्या है, लीनियर कोरिलेशन के लिए है। अब ये एक्स बराबर ये वाई बराबर एक्स स्क्वायर ये क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशन है, तो ये हमारे काम का नहीं है, बाकी आपको नॉलेज के लिए बताया है। यहां पर क्या है, इन दोनों का क्या है, ये एक्स और वाई अनकोरिलेटेड है, अनकोरिलेटेड है बट ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट कैसे नहीं है कि अगर वाई बराबर क्या होगा, अगर हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y 4 होगा, यानी ये दोनों आपस में डिपेंड तो कर रहे हैं एक दूसरे पे, पर कोरिलेटेड नहीं। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लीनियर कोरिलेशन, तो ये नॉन लीनियर है, तो इस वजह से। अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है, अगर हमें सिग्मा ऑफ x और सिग्मा y दे रखा हो और सिग्मा x माइनस वाई दे रखा हो, तो ये फॉर्मूला लगाकर, ये फॉर्मूला लगा के भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो कोरिलेशन की वैल्यू निकाली जा सकती है कि सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बटे में टू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखिएगा, और ये फॉर्मूला हमने डिस्कस कर ही लिया था, ये भी हमारा हो गया। अब बात करते हैं प्रोबेबल एरर, तो प्रोबेबल एरर की बात करते हैं कि जो हमारा प्रोबेबल एरर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संभाव्य विभ्रम, और इसको निकालते कैसे हैं कि जो हमारा जो स्टैंडर्ड एरर होता है यानी जो हमारा स्टैंडर्ड एरर होता है उसका फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस आर स्क्वायर बटे में रूट एन। तो ये क्या है, आर स्क्वायर हमारा, आर क्या है, ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है, तो इससे हम स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे, और स्टैंडर्ड एरर जो होता है उसको अगर हमने 0.6745 से अगर गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा, हमारा प्रोबेबल एरर आ जाएगा। अब ये प्रोबेबल एरर निकालते क्यों है, क्योंकि हम जो है सांख्यिकी में क्या करते हैं, हम जो है संभावनाओं को तलाशते हैं कि इनके बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, तो उनमें एरर आना जो है संभाविक होता है, यानी उसके अंदर एरर होने की काफ़ी संभावनाएं होती हैं, तो उस एरर को फाइंड करने के लिए हम प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर है वो निकालते हैं। तो 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन है वो क्या हो गया, हमारा स्टैंडर्ड एरर हो गया, और 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन क्या हो गया, हमारा प्रोबेबल एरर। अब इससे क्या आता है, हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा जो कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। अगर हमारे आर की वैल्यू जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट है, आर की वैल्यू अगर प्रोबेबल एरर से छोटी है तो हमारा क्या होगा, जो सहसंबंध है वो कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, मतलब सार्थक नहीं होगा। और अगर बड़ी है आर की वैल्यू 6 प्रोबेबल एरर यानी 6 गुना किसके, प्रोबेबल एरर के, जो संभाव्य विभ्रम होता है उसके 6 गुने से अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, वहाँ पर निश्चित रूप से क्या होगा, हमारा कोरिलेशन होगा और वो भी सार्थक कोरिलेशन होगा। अब हमें क्या होता है कि जो हमारा जो प्रोबेबल एरर होता है वो हमें क्या करता है, हमें जो लिमिट होती है पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट की लिमिट फाइंड करने में हेल्प करता है। तो ये जो हमारी पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट की लिमिट होती है, पॉपुलेशन कोरिलेशन की जो हमारी लिमिट होती है वो क्या होती है, आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर। तो जो प्रोबेबल एरर की वैल्यू आती है उसको जोड़ के और घटा के हम क्या करते हैं, हमारे पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रोबेबल एरर। तो प्रोबेबल एरर पे यही बस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हमारा ये क्वेश्चन है कि इसकी अगर वैल्यू लेस देन क्या हो, प्रोबेबल एरर हो, तो क्या होगा, हमारा ये क्या होगा,
नॉट सिग्निफिकेंट होगा, और अगर ज्यादा हो 6 × प्रोबेबल एरर से तो ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। और ये एक फॉर्मूले होते हैं दोनों, ये याद रखना आप। अब बात करते हैं रैंक कोरिलेशन की। रैंक कोरिलेशन वगैरह आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट आप फॉर्मूला फिर भी देख लीजिए। जो स्पीयर्समैन स्टैटिस्टिशियन है उन्होंने ये कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला दिया था, स्पीयर्समैन कोरिलेशन, या इसको रैंक कोरिलेशन भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, रो बराबर 1 - 6 समीशन डी आई अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, जहां पर डी हमने यहां पर डिफाइन करा है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। और इस रैंक कोरिलेशन की लिमिट क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, यही हमारी रैंक कोरिलेशन। तो रैंक कोरिलेशन के बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये फॉर्मूला होता है, और किसने डिफाइन करा था, स्पीयर्समैन ने, और इसकी लिमिट क्या होती है, -1 से 1 के बीच में। अब जो हमारा जो स्पीयर्समैन कोरिलेशन कोफिशियंट था उसका स्क्वायर बटे में जो हमारा कोरिलेशन कोफिशियंट पियर्सन का है, पियर्सन के दोनों का अगर हम रेशियो में लेते हैं तो उससे क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन मिल जाता है। हमें अगर कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में पूछे तो ये याद रखना है कि रो स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है। 1 - रो स्क्वायर या 1 - आर स्क्वायर क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन होता है, यानी 1 माइनस कर दिया तो कोफिशियंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। और रूट 1 - रो स्क्वायर अथवा 1 - आर स्क्वायर क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ अलाइनेशन होता है, ये याद रखिएगा। तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन पे काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 - आर स्क्वायर है वो क्या होता है। तो ऑप्शन में मिल जाएगा कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशियंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन और कोफिशियंट ऑफ अलाइनेशन, तो तीनों में से कोई नहीं। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं कि 1 - आर स्क्वायर तो नॉन डिटर्मिनेशन, रो स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है हमारा डिटर्मिनेशन, और रूट 1 - आर स्क्वायर क्या होता है अलाइनेशन का होता है। अब जो हमारा कोरिलेशन कोफिशियंट होता है वो क्या है, एक सिर्फ नंबर होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। और अगर हम कोरिलेशन कोफिशियंट दो जो वेरिएबल होते हैं उनके अंदर निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन या फिर जीरो ऑर्डर का कोरिलेशन बोलते हैं। और जो हमारा कोरिलेशन कोफिशियंट होता है इस पे कोडिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हमने पीछे भी डिटेल से पढ़ लिया। तो बस आज के लिए इतना ही, इसके अंदर हमने कोरिलेशन के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम रिग्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पे अपने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पे शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।